कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश की जनता घरों में बैठने के लिए मजबूर हो चुकी है। ऐसे में लोगों की नजर मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर रहती है कि देश में क्या हो रहा है। हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से कुछ खबरें आनी शुरू हुई, जिसमें कहा गया कि लोग मरकज धार्मिक समारोह में काफी तादाद में इकट्ठे हुए, जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे। सरकार अब उन लोगों की जाँच कर रही है कि किस किस को उनमें से वायरस है, ताकि पूरा देश इससे बच सके। पर मीडिया लगातार इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है। मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली का निजामुद्दीन देश में इस वक्त जितने कोरोना के मरीज हैं, कई लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन निजामुद्दीन की तबलीगी जमात मरकज से जुड़ रहा है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निजामुद्दीन से सटे मरकज में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है। जी हां, मरकज ने मामला बिगाड़ दिया है। 16 देशों के समेत देश के 19 राज्यों से लोग यहां जमा हुए। तो आदेशों की धज्जियां उड़ाई गईं। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ता रहा। स्वागत है आप सभी का 10 बजे की इस बड़ी बहस में। मैं हूँ आपके साथ पयूधी शशि। दिल्ली का निजामुद्दीन कोरोना वायरस के संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बाद भी पिछले दिनों तबलीगी जमात के कार्यक्रम में करीब 1500 लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। महामारी के इस मरकज की खबर उस वक्त पता चली जब निजामुद्दीन इलाके के इस धार्मिक जलसे में शामिल एक व्यक्ति की दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। निजामुद्दीन इलाके में एक जमात का दफ्तर है, मरकज है तबलीगी जमात, और आज की ये चर्चा उसी तबलीगी जमात की एक बेहद जहालत भरी हरकत पर है। हाल ही में लॉकडाउन के चलते लाखों की तादाद में मजदूर पैदल चलकर अपने घरों को जाते दिखे। घर जाने के लिए काफी मजदूर इकट्ठा हुए थे। पहुंच जाएंगे आप, रोइए मत, पहुंच जाएंगे आप। अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुंच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो गए, खा लीजिए आप, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रो क्यों रहे, अच्छा बताइए आप। सुबह बोले लगे 4 बजे तुम्हें छोड़ने के, सुबह से आधे घंटे बस आ रही है, अभी तक बस नहीं आई। घर पे बेटा का तबीयत खराब है, क्या करूं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं छोड़ रहा है। बाकी तुम लोग कहाँ पे हो? अब मैं अभी कुटनी में हूँ, मुझे सिवान जाना है सर, बेटे का तबीयत खराब है सर। खाने के छोड़िए, हमें नहीं चाहिए सर, बेटे से मर के खाना है क्या? परिवार ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे खा के सर? हमें जाना है सर, हमें बाहर निकलवा दीजिए सर, कैसे भी करके बाहर निकलवा दीजिए सर, हम मर रहे हैं यहाँ पे। कुछ वीडियो में ये भी सामने आया जिनमें उन मजदूरों पर केमिकल स्प्रे किया जा रहा है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। मजदूरों को लेकर ही वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने कार्यक्रम में कुछ बातें कही। जब वो गरीब सड़क पर उतर जाता है तो पहले तो आप उस पर सियासत खेलते हैं, बार बार उसकी बेइज्जती करते हैं, कहीं पुलिस उसे इस तरह से मुर्गे बनवाती है, कहीं पुलिस उसकी बेरहमी से पिटाई करती है। इस तस्वीर में देखिए, पुलिस सड़क के एक कोने में गरीबों को, महिलाओं को ठूंस कर उन पर ब्लीचिंग एजेंट छिड़क रही है। मजदूर जो रोज कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता है, वह इस लॉकडाउन की वजह से कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। हमेशा की तरह ये मुद्दा भी अब मेनस्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुका है। इन मजदूरों का क्या हुआ, इनको सरकार ने कितनी मदद दी है, वह सारा मुद्दा अब हिंदू मुस्लिम की डिबेट ने खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.